हाय वेलकम टू कोड फंड, यू वेलकम टू न्यू वीडियो इन द होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हम अपने जावा प्रोजेक्ट को और माइसिक्वल को एक साथ कैसे लेके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एक जावा की हेल्प से माइसिक्वल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। एंड अब इस वीडियो में हम देखेंगे अपना न्यू कस्टमर फॉर्म। हमारे पास अगर होटल में कोई नया कस्टमर आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए। इस वीडियो में हम वो बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। लाल बटन आपको दिख रहा होगा, प्लीज उसको दबा देना। एंड अगर वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। आपको पूरी प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पूरी प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो। अभी तक मैं यहाँ पे 9 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखोगे आपके पास, आपको यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, तो परफेक्ट है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है अपने नेटबीन्स में। नेटबीन्स में आपको यहाँ पे अपने पैकेज पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी एक क्लास बनानी है। जो क्लास होगी वो होगी हमारी एड कस्टमर के नाम से। एड कस्टमर के नाम से मैंने इसको यहाँ पे क्लास बनाई। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रेम बनाना है, जो आपको यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एक फ्रेम बनाना है। इस फ्रेम में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिससे हमारे पास करंट डेट आएगी। तो हम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो जो एलोकेटेड रूम नंबर वाला यहाँ पे लेबल है, जो यहाँ पे लेबल है एलोकेटेड रूम नंबर वाला, इसमें ऑलरेडी फिल्ड वैल्यूज हैं। जैसे अभी यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, ये 101 यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड वैल्यू है। तो हम ये देखेंगे कि हम इसमें कॉम्बो बॉक्स बॉक्स में जो हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, इसमें हम डायनेमिकली वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये वैल्यू मैं उठाऊंगा यहाँ पे वहां से डेटाबेस से, मैं ये वैल्यूज उठाऊंगा जितने मेरे रूम नंबर्स डेटाबेस में पड़े हुए हैं, जो भी आप रूम नंबर ऐड कर सकते हो। हमने वहाँ पे एक क्लास बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो, हमने वहाँ पे एड रूम के नाम से क्लास बनाई थी। एंड एड रूम के अंदर आप जितने भी रूम ऐड करोगे वो सभी मेरे को यहाँ पे उठाने हैं, और जो एलोकेटेड रूम नंबर वाला यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे डालना है। तो आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है एड कस्टमर के नाम से, एक्सटेंड मैंने जे फ्रेम किया, क्योंकि जे फ्रेम की फंक्शनलिटीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने यहाँ पे, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वही रेगुलर स्टफ जो हम अब तक करते भी आए हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट बाउंस मेथड का। सेट बाउंस का मैंने यहाँ पे यूज किया। सेट बाउंस में सपोज मैं डाल रहा हूँ 350 एंड 200, 200 सभी फ्रेम्स में, ऑलमोस्ट 200 ही डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेट विजिबल, एंड इसको कर देना आपको ट्रू। एंड अगर आप इसको चला के देखोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे आपको फ्रेम दिखेगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ पे कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले तो मेरे को इस फ्रेम का जो कलर है उसको चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा कैट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसके कलर को मैं यहाँ पे व्हाइट दे रहा हूँ। कलर क्लास जो होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है, तो कलर क्लास यहाँ पे एरर होगी, एरर देगी क्योंकि मैंने यहाँ पे AWT पैकेज को इम्पोर्ट नहीं कराया हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना है जावा डॉट AWT डॉट स्टार, ताकि कलर क्लास वो यहाँ से इसमें से इसके अंदर से उठा ले। अब मेरे को यहाँ पे सेट बाउंड का यूज करना है। सेट बाउंड के लिए हमें सेट लेआउट को नल करना पड़ता है। बिना सेट लेआउट को नल किए आपका सेट बाउंड काम नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला काम कर जाता है जो हाँ जिससे हम फ्रेम को सेट करते हैं, बट कॉम्पोनेंट्स वाला काम नहीं करता जिससे हम अपने कॉम्पोनेंट्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सपोज जे लेबल टेक्स इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और यहाँ ये आपका न्यू कस्टमर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली सपोज न्यू कस्टमर फॉर्म करके, और मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स डॉट सेट बाउंस, और ये आप कहाँ से चाहते हो सपोज 120, एंड इसको मैं चाहता हूँ सपोज 330। ठीक है, एड किया मैंने यहाँ पे टेक्स को, तो आपको यहाँ पे फ्रेम के ऊपर एक टेक्स दिखेगा, ठीक है, जिस पे लिखा होगा न्यू कस्टमर फॉर्म, बट वो टेक्स्ट काफी छोटा आएगा, तो मेरे को इसके यहाँ पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर्स उन सबको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सपोज टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट, और मैंने यहाँ पे न्यू फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फॉन्ट कौन सा ले, रेलवे ले लेते हैं। रेलवे हमने यहाँ पे इसमें लिया ही नहीं है प्लेन ले या क्या लें, प्लेन ले लेते हैं। अरे अपने आप बोल्ड में कन्वर्ट हो गया वो, वेरी नाइस। और फॉन्ट साइज में ले रहा हूँ इसका सपोज 20। तो चला के अगर आप देखोगे परफेक्ट चलेगा, आपका जो फॉन्ट टाइप है वो रेलवे में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे आपके पास आ चुका है न्यू कस्टमर फॉर्म। तो आई होप कोई इशू होना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और लेबल बनाना है। ये लेबल आपका यहाँ पे आईडी के नाम से होगा, तो मैंने यहाँ पे लिया एलबीएल आईडी, एंड इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यूजर यूजर से आप कौन सी आईडी चाहते हो। ठीक है, अब ये एक ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होगा, तो मैं यहाँ पे इसका
पहले ही मैं इसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम करते हैं, तो इसको इस बार मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉम्बो आईडी सपोज मैंने यहाँ पर ये लिया, ठीक है, आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि यूजर ने आपको क्या दिखाया है, यूजर ने आपको आधार कार्ड दिखाया है या क्या दिखाया है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जब भी हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यूज को पास करते हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यूज को आपको डालना होता है एक क्या बोलते हैं, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये डाला और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज आपको आधार कार्ड दिखाना है सर, आप पासपोर्ट भी दिखा सकते हो, पासपोर्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो, ठीक है, आप आपका जो मन है आप वो दिखा सकते हो, बट इन ऑप्शंस में से मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिखा। उसके बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखा सकते हो, ठीक है, आप अपना राशन कार्ड भी दिखा सकते हो, राशन कार्ड डालें ना डालें, चलो डाल देते हैं, ठीक है, राशन कार्ड भी आप दिखा दिखा सकते हो, और क्या होता है, चलो इतने ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉम्बो आईडी इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, और आपको ये सभी ऑप्शंस इसके अंदर डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस डाले यहाँ पे इसके अंदर, अब मेरे को इसको सेट बाउंस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट बाउंस किया, कहाँ पे चाहिए आपको ये मेरे को इस वाली लेबल के जस्ट नीचे चाहिए, तो इस वाले लेबल के भी मेरे को सेट बाउंस को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, और यहाँ पे सपोज को थोड़ा सा लेफ्ट से लेते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे 35 लिया, और इसको सपोज 70 का मैंने यहाँ पे गैप रखा, 70 60 का मैंने यहाँ पे गैप रखा, उसको मैंने यहाँ पे 80 दिया, और ये आईडी जो लेबल है वो काफी छोटा लेबल है, तो इसको रखते हैं हम 100 तक, ठीक है, और इसकी विथ भी काफी छोटी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि विथ मैंने इसके यहाँ पे 20 दी है, तो यहाँ पे मैंने इसके 20 रखा, ठीक है। अब अगर आप सेट बाउंस देखो तो लेफ्ट से ये 35 है, 35 और 100, 135 तक तो इसी की लेंथ है, तो इसको मैं ले रहा हूँ सपोज 200 तक, बीच में थोड़ा गैप डाल रहा हूँ, ऊपर से बिल्कुल सेम लेवल पे होगा, तो मैंने यहाँ पे 80 डाला। अब आप कॉम्बो बॉक्स की लेंथ कितनी चाहते हो, सपोज मैं चाहता हूँ 150 और यहाँ पे मैं चाहता हूँ सपोज 25, आप इसको ऐड कर सकते हो, कॉम्बो आईडी मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके मेरे को बैकग्राउंड कलर को चेंज करना पड़ेगा, वो कुछ अजीब सा कलर आता है इसमें, तो इसके बैकग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे व्हाइट करना पड़ेगा, बट अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। एक काम मेरे को और करना है, यहाँ पे मेरे को डालना है कॉम्बो आईडी डॉट सेट बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने लिखा कलर डॉट व्हाइट, परफेक्ट। अब आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि आपने जो भी यहाँ पे यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका मेरे को नंबर चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपको एक नंबर के नाम से आपको यहाँ पे एक फील्ड बनानी है, और LBL सपोज नंबर लिया मैंने यहाँ पे, और ये भी लिया, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, ठीक है, और ये 80 और 20 100 तक तो यही जा रहा है, 20 का मैं यहाँ पे गैप रख रहा हूँ, तो इसको मैंने ये लिया यहाँ पे 120। मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो नंबर होगा जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा उसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करूंगा, तो मैंने यहाँ पे TF नंबर के नाम से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ली, तो यहाँ पे आपको लिखना है TF नंबर इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे डिक्लेयर किया, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज TF नंबर और डॉट सेट बाउंस, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉम्बो बॉक्स हमने यहाँ पे 200 से स्टार्ट किया था, तो जे टेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पे 200 से स्टार्ट होगी, ऊपर से 120 है तो आपको इसको भी 120 डालना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स की लेंथ थी 150 और विथ थी इसकी यहाँ पे 25, तो मैं यहाँ पे यही डाल रहा हूँ बिल्कुल डिटो सेम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे TF नंबर को ऐड कर देना है, एंड चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मस्त चलेगा एकदम मक्खन, ठीक है, आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दिखेगी इसके जस्ट सामने, तो परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से बंदे का नाम पूछ रहे हो कि सर अपना नेम बताइए, तो यहाँ पे मेरे को एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है, लेबल और टेक्स्ट फील्ड दोनों चाहिए होंगी, तो LBL नंबर की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसको LBL नेम से, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल को डिक्लेयर किया LBL नेम के नाम से, और यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर की जगह मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ, परफेक्ट है। अब आप यहाँ पे देखो 80 और 120 में 40 का गैप था, तो यहाँ पे भी 40 का गैप मैं डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे इसको क्या मैंने, अरे नीचे नीचे करना है इसको, नहीं चेंज करना, यहाँ पे क्या है सपोज मैंने 160 और यहाँ पे भी क्या है सपोज मैंने इसको 160, ठीक है। TF नंबर है, मेरे को यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बनानी है जो कि होगी TF नेम के नाम से, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाई TF नेम के नाम से, और यहाँ पे आपको नंबर की जगह इसको कर देना है नेम, और इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक और लेबल बनाना है, वो लेबल होगा जेंडर के नाम से, ठीक है, कि आप बंदे का उससे जेंडर पूछ रहे हो, तो यहाँ से हाँ परफेक्ट, तो इसको मैंने लिया सपोज हैंडर नहीं जेंडर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जेंडर, अरे परफेक्ट, और इसको सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 200, और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये, ठीक
ये एंड यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये रेडियो बटन होंगे कि बंदा मेल है फीमेल है, तो ये रेडियो बटन होंगे। इसको मैं यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करने वाला हूँ। ग्लोबली आपको आई आई होप आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे ग्लोबली क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले ही, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें फिर उसको ग्लोबली मूव करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इसको मैंने लिया यहाँ पे आर मेल और आर फीमेल, ठीक है, रेडियो मेल और रेडियो फीमेल। और यहाँ पे मैंने लिया सपोज आर मेल इज इक्वल्स टू न्यू जे रेडियो बटन, और ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका वो मेल के नाम से होगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मेल, मेल का एम कैपिटल ले लेते हैं। परफेक्ट है। आर मेल डॉट सेट बैकग्राउंड को मेरे को इसको नल करना पड़ेगा, सेट में नल बोल रहा हूँ, वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम इशू आता है जो हम इशू वहाँ पे फेस हमने किया था, यहाँ पे बिल्कुल सेम इशू आता है। इसको सेट बाउंस भी करना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 200 से स्टार्ट होगा, ऊपर से कितना जाएगा, 200 ही जाएगा, बट इसको 100 नहीं लेते, 100 नहीं ले लेते, इसको थोड़ा सा कम लेते हैं, क्योंकि इसके जस्ट सामने मेरे को एक और यहाँ पे रेडियो बटन डालना है जो कि फीमेल वाला रेडियो बटन होगा। तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आर फीमेल में मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने किया सपोज फीमेल, और यहाँ पे मेल की जगह मेरे को यहाँ पे करना है फीमेल। परफेक्ट है। अब ये कहाँ से आएगा, आप अगर यहाँ पे देखो 200+60, 260 तक तो यही जा जा रहा है, ठीक है। बीच में मेरे को थोड़ा सा गैप भी डालना पड़ेगा, तो इसको रखते हैं हम 270 से और 200, और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपके पास यहाँ पे एक लेबल आएगा जेंडर के नाम से, जिसके पास सामने दो रेडियो बटन होंगे मेल और फीमेल। इसका ये कट गया यहाँ से फीमेल का, तो आपको यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ आप बढ़ा सकते हो इससे, जो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है इसको आप अगर 100 कर दोगे, तो आपको आपके पास वहाँ पे जो फीमेल जो कट गया था वो यहाँ पे इस टाइम पे पूरा आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है कंट्री। कंट्री के साथ मेरे को टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। एलबीएल एलबीएल लेबल, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज कंट्री, वरना पे वो डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का एरर दे देता है। मतलब आप यहाँ पे एक वेरिएबल को दो बार यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज वो ये बोलता है। कंट्री मैंने यहाँ पर डाला 200 तक वो जा चुका है, इसको मैंने लिया 240, और यहाँ पे टीएफ नेम की जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टीएफ कंट्री, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया, और इसको मैंने डाला सपोज यहाँ पे 240। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मेरे को इसको डिक्लेयर करना है टीएफ कंट्री को। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सही चलेगा, मतलब कोई इशू मेरे को दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक नया लेबल बनाना है जो कि होगा एलोकेटेड रूम नंबर के नाम से। इसमें मेरे को वैल्यूज को डायनेमिकली इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने लिया सपोज एलबीएल रूम, सही है, और इसको यहाँ पे सेव किया, इसको यहाँ पे सेव किया, एंड मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे आ गया क्या आपके पास एलोकेटेड रूम नंबर, ठीक है। एलोकेटेड रूम नंबर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मैंने सपोज दिया 280, मस्त है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, आप यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्सेस हैं, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, उसको दो तरीके से बना सकते हो। एक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जे कॉम्बो बॉक्स का, जे कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो। एक और क्लास होती है जो कि चॉइस क्लास होती है, उस चॉइस क्लास की हेल्प से भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चॉइस क्लास का यूज करने वाला हूँ। कॉम्बो बॉक्स का मैं यहाँ पे यूज इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में आपको इसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज को पास करना होता है। चॉइस में भी वैसे तो यहाँ यहीं पे पास करना होता है, लेकिन चॉइस में क्या होता है, हमारे पास एक एड फंक्शन हमें मिलता है। अगर हम इसको सपोज यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ दें, तो हम कॉम्बो आईडी डॉट एड लिख के जो भी यहाँ पे इसके अंदर पास करेंगे वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर पास हो जाता है, मतलब चॉइस के अंदर पास हो जाएगा वो। बट कॉम्बो बॉक्स के साथ ऐसा कोई फंक्शन हमें मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो चॉइस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे चॉइस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चॉइस क्लास में आप यहाँ पे जे नहीं लगाते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ चॉइस आएगा। और चॉइस के अंदर अब आपको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाए, सपोज सी रूम के नाम से मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना। परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे लिखना है सी रूम इज इक्वल्स टू और न्यू चॉइस, ठीक है। अगर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होती तो आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते थे, ठीक है। बट मैं कोई यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर रहा, मेरे को यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसको डायनेमिकली यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, सी रूम डॉट सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट बाउंस। सेट बाउंस आप इसको कहाँ पे चाहते हो, मैं इसको चाह चाह
सेट बाउंस मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे 200 से और 280, ठीक है, और ऊपर से कितना चाहिए मेरे को, ये ऊपर से चाहिए 150 एंड 25, 150 एंड 25। आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐड मैंने यहाँ पे किया सी रूम को, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक एम्प्टी ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब जिस ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू नहीं होगी, आप यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आपको दिख चुका है, ठीक है। तो एम्प्टी ड्रॉप डाउन मेरे को यहाँ पे दिखा है, लेकिन ये कट गया यहाँ से पूरा एलोकेटेड रूम नंबर। इसको भी देख लेते हैं, एलोकेटेड रूम नंबर आपको, आप यहाँ पे इसको कर रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे 150, ठीक है। इसकी जो लेंथ है उसको मैंने बढ़ा के किया यहाँ पे 150। ये अब भी कट रहा है, एक काम कर सकते हैं क्या, इसको हटा रहा हूँ मैं, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ चेक करने के लिए। वो काफी बुरा लग रहा है, एक काम करते हैं, इस लेबल को मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, वरना मेरे को सारे उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा फिर, मतलब मेरे को सारे सेट बाउंस को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलोकेटेड मैंने हटाया और अब यहाँ पे सिर्फ रूम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चॉइस है अपने पास, बट चॉइस यहाँ पे एम्प्टी है। अब इस चॉइस के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, मेरे को यहाँ पे जो रूम नंबर वाली वैल्यूज हैं वो डालनी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि रूम टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे को वो सारी वैल्यूज चाहिए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे करूँ, आपको सबसे पहले इसको रन करना है, यूज होटल मैनेजमेंट सिस्टम को, इसको रन किया उसके बाद आप अगर यहाँ पे इसको रन करके दिखाओ, मैं अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम को, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ एक ही रूम है जो कि 101 है, और ये आ रहा है हमारा रूम नंबर के अंदर से। तो मेरे को यहाँ पे ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे रूम नंबर के अंदर जो भी रूम नंबर है उसको निकालना है, और यहाँ पे इस वाली चॉइस के अंदर, इस वाले ड्रॉप डाउन के अंदर इंसर्ट करना है। सिंपल से मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। मेरे को यहाँ पे क्वेरी को हिट करना है, तो सबसे पहले तो MySQL में क्वेरी हिट करने के लिए आपको यहाँ पे इसके अंदर ट्रायल कैश लगाना पड़ेगा। थंब रूल है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, आप यहाँ पे उस एरर को प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस में मेरे को एक क्वेरी मारनी है, तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। कॉन क्लास मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और अब आप यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेरी मार सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्ट्रिंग क्वेरी और इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम लिखा मैंने। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा उस रूम नंबर का, ठीक है, बट उस इस क्वेरी को सबसे पहले तो एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन डॉट एक्स डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी ये रही, ठीक है। और इसके अंदर आपने यहाँ पे क्वेरी जो वेरिएबल है उसको पास किया, बट ये कोई रिटर्न भी तो करेगा, ये मेरे को सारे रूम नंबर्स को रिटर्न करेगा, तो उसको मेरे को यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू दिस, परफेक्ट। रिजल्ट सेट एरर देगा क्योंकि ये होती है हमारी सिक्वल पैकेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे इसको सिक्वल पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एसक्यूएल डॉट स्टार, सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अब मेरे पास सारा डेटा आ चुका है जो जो भी यहाँ पे रूम नंबर के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है जो भी रूम नंबर के अंदर पड़ा हुआ है। अब मेरे को इस डेटा को यहाँ पे लूप करना है, तो लूप करने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा आया है उसको आप यहाँ पे लूप कर सकते हो। तो लूप किया मैंने यहाँ पे, अब मेरे को लूप करते हुए उस डेटा को ऐड करना है सी रूम के अंदर। तो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे ऐड फंक्शन होता है, इस ऐड फंक्शन की हेल्प से आप बाद में कोई भी वैल्यूज इसके अंदर डलवा सकते हो डायनेमिकली। और मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर ये वाला कॉलम चाहिए जो कि रूम नंबर कॉलम है, तो इसको आप उठा सकते हो रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे पास करते हो जो कि जो जो भी आपका यहाँ पे कॉलम का नेम है, मेरे यहाँ पे कॉलम का नेम है रूम नंबर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रूम नंबर। एंड अभी ये क्या करेगा, सिर्फ रूम नंबर ही आपको उठा के देगा, मतलब यहाँ पे इसने क्या किया था, टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब उठाई, मतलब ये सारा सामान इसने उठा लिया, और उस सारे सामान में से मैं सिर्फ रूम नंबर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी कॉलम नेम है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगी ड्रॉप डाउन के अंदर जो कि होगी 101, क्योंकि रूम नंबर मेरा डेटाबेस में अभी के लिए 101 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये 101 आया। एक और अगर हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू को और ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एड रूम्स क्लास के अंदर गया, रूम नंबर में डाल रहा हूँ 102, प्राइस में डाल रहा हूँ सपोज 3600, एंड ये एक सिंगल बेड होगा, ठीक है। एड रूम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपका यहाँ पे रूम सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी, एक 101 एक 102 जो मैंने अभी अभी ऐड किए हैं। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड कस्टमर में जाके इसको चला के दिखाऊँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे उस ड्रॉप डाउन के अंदर, 101 एंड 102, क्योंकि अब डेटाबेस में दो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड करूँ मैं तो 101 एंड 102,
तो परफेक्ट है, आई होप ये चीज भी आपको शायद क्लियर हुई होगी, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक और मेरे को लेवल बनाना है। अब मेरे को ये पूछना है कि सर आपका चेक इन टाइम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं यहाँ पे यूजर का चेक इन टाइम जान सकता हूँ, ठीक है, कि आपका जो चेक इन टाइम है वो क्या टाइम है। तो मैंने यहाँ पे सपोज LBL टाइम के नाम से यहाँ पे ये वाला लेबल बनाया, और अब मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए, जी लेबल, और यहाँ यहाँ पे लिखा सपोज चेक इन टाइम, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल फील्ड होगी, ये यूजर इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको यहाँ पे वो बनाऊँ, क्या बोलते हैं, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे इसको एक सेकेंड, और इसको यहाँ से हटाते हैं, परफेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ मैं इसको एक एडिटेबल फील्ड बनाऊँ, मैं इसको यहाँ पे, अरे क्या हुआ इसको, अच्छा यहाँ पे LBL नहीं लिखा, ये चेक इन टाइम ही लिखते हैं, ठीक है, LBL हटा हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज चेक इन टाइम लिखा, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि यूजर, मैं नहीं चाहता कि यूजर इस चीज को एडिट कर सके, जो उसका चेक इन टाइम है वो यूजर एडिट ना कर सके, वो सिस्टम उठाए अपना। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेट क्लास हमारी आती है यहाँ पे यूटिल पैकेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, परफेक्ट। और आपको यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसी के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डेट, डेट इज इक्वल्स टू और न्यू डेट, और इस डेट को आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डेट को इसके अंदर पास किया, बट ये एरर देगा, क्योंकि जे लेवल के अंदर आप यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते, इसको आपको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग से इसको कनकैट कर दोगे। जावा में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में पूछते हैं इससे सवाल, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या सवाल पूछते हैं। सपोज वो ऐसे पूछेंगे कि यहाँ पे होगा 1 + 2 + 3, आपको इसका आंसर करना है अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, चलो इसका आंसर करो। एक यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसका आंसर क्या आएगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं, ठीक है। आप चाहे फ्रंट एंड में हो या चाहे बैक एंड में हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जावा जावा में भी है, और जावा स्क्रिप्ट में भी है। तो चाहे आप बैक एंड डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर हो, ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो बढ़िया, उसके बाद ये यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, मस्त चलेगा एकदम मक्खन, ठीक है। तो एक सेकेंड देख लेते हैं इसको। अरे यहाँ पे मेरे को ये भी तो चेंज करना है, ये 280 है, 280, और अभी नहीं चलेगा वो, ओवरलैप मार जाएगा। मेरे को यहाँ पे इसको 320 करना है, और इसको भी यहाँ पे मेरे को करना है 320, ठीक है। और 320 मैंने यहाँ यहाँ पे किया, इसको इसको करते हैं 120, 35, 120, 35, 35 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 200, ठीक है। 200 से स्टार्ट होगा, 200, 320, 120, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 नहीं होगा, ये होगा आपका 25, ठीक है, परफेक्ट। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, बिल्कुल मस्त चलेगा एकदम मक्खन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डेट आ जाएगी कि कितने बजे आपने ये वाला फ्रेम खोला है, आपके पास यहाँ पे वो डेट आ चुकी है 7 अप्रैल। एक काम करते हैं, इसको 150 रखते हैं, तो 150 किया मैंने इसको यहाँ पे, एंड 150 करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये पूरी तरह आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, एक काम कर सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट साइज जो है उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज की वजह से क्या हो रहा है कि वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो वो एक्चुअल में आ नहीं पा रहा। ब्रो थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, ठीक है, 16 कर रहा हूँ, 16 आई थिंक शायद इनफ होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे 16 किया, चला के देखते हैं चल रहा है क्या, आई होप चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थर्सडे 7 अप्रैल और 1:33 पे आपने यहाँ पे चेक इन किया है, मस्त है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे ये पता लगाना है कि सर आपने क्या कोई डिपॉजिट भी किया है, क्योंकि डिपॉजिट कंपलसरी है सर, मतलब एडवांस आपको देना पड़ेगा अगर आपको इस होटल में ठहरना है। तो मेरे को यहाँ पे एक लेबल चाहिए और मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो दोनों को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज LPL डिपॉजिट, LBL डिपॉजिट कि सर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ एडवांस आप अगर देना चाहें उस रूम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैसे अब देने हैं, ठीक है,
और आप बाद में दे सकते हो, लेकिन आपको वे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे TF डिपॉजिट कॉपी पेस्ट, बस ठीक है ब्रो। इसको यहाँ पे भी चलो डाल ही देते हैं, वहां पे आ ही गए तो। और यहाँ पे मैंने इसको, अरे क्या हो रहा है, इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। और इसको आपको कर देना है 240, 320, और ये आ जाएगा आपका 360 से। इसको भी आपको कर देना है यहाँ पे 360 चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, बिल्कुल मस्त चलेगा, ठीक है, विदाउट एनी इशूज, और यहाँ पे कोई भी इशूज यहाँ पे होने नहीं चाहिए। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो अब मेरे को यहाँ पे दो बटन लगाने हैं फटाफट, वहाँ यहाँ पे दो बटन भी लगा लेते हैं, ठीक है। दो बटन मेरे को यहाँ पे लगाने, पहला बटन होगा मेरे यहाँ पे एड के नाम से, दूसरा बटन होगा मेरे यहाँ पे बैक के नाम से, ठीक है। और नीचे आते हैं, इन दोनों बटन को मेरे को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सपोज लिखा मैंने यहाँ पे एड इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है। और जो बटन होगा वो आपका वो एड के नाम से होगा। इसका मैं बैकग्राउंड कलर हाथों हाथ यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लिया सेट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ब्लैक मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। और फोरग्राउंड मैंने यहाँ पे सेट किया, मैंने यहाँ पे डाला सपोज ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर में वो आना चाहिए। उसके ऊपर मेरे को यहाँ पे सेट बाउंड्स को सेट करना है। सेट बाउंड्स में चाहता हूँ यहाँ पे 50, 410 और 120 और 125, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे सपोज ऐड किया, और फिर उसको आपको यहाँ से सपोज कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, और इसकी जगह आपको यहाँ पे लिखना है बैक, ठीक है। ऐड की जगह सपोज मैंने यहाँ पे बैक लिखा, और यहाँ पे भी आपको सपोज ऐड की जगह आपको यहाँ पे लिखना है बैक, ठीक है। ये कहाँ से आएगा 410, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 150 और 120, 170 हो जाएगा। 30 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, तो 200 से इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मस्त चलेगा चला के। अगर आपका यहाँ पे देखो दो बटन आपके पास यहाँ पे आने चाहिए, एक होगा आपके पास एड के नाम से, एक होगा आपके पास यहाँ पे बैक बैक के नाम से। लेकिन ये 25 तो काफी छोटा लग रहा है मेरे को, इसको 30 कर देंगे, 30 कर देते हैं। बढ़िया, तो फ्रेम अपना यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है। इमेज लगाने के आप यहाँ पे सेम वही कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इमेज आइकन लास्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे लिखना है फिर क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, और इसको हमें उठाना है आइकन्स के अंदर से। आइकन्स के अंदर से इमेज का क्या नाम है, इमेज का नाम है फिफ्थ डॉट जेपीजी, ठीक है। तो इस वाली इमेज को आपको यहाँ से उठाना है। इसको मेरे को स्केल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज की कंडीशन काफी खराब हालत में है। मतलब इमेज मतलब इमेज तो ठीक है, लेकिन थोड़ा स्केल करते हैं। अरे पूरा टाइप करवाएगा क्या, गेट स्केल इंस्टांस, ठीक है। कितना चाहिए, 300 400 लेते हैं, लेंथ 300 ब्रेथ 400, और यहाँ पे आ जाएगा इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, परफेक्ट। इसको वापस मेरे को इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा इमेज आइकन i3 इज इक्वल्स टू और न्यू इमेज आइकन, यहाँ पे मैंने पास किया सपोज i2, परफेक्ट है। जे लेबल आपको यहाँ पे लिखना है, जे लेबल l1 इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और यहाँ पे मैंने i3 पास किया सपोज, ठीक है। इमेज डॉट सेट बाउंस करते हैं, कहाँ से चाहिए मेरे को इमेज, मेरे को इमेज चाहिए सपोज 400 से ऊपर से 50। इमेज का साइज क्या है, 300 एंड 400 है, ऐड कर देना है आपको यहाँ पे इमेज को, परफेक्ट। आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो इन 3, 2 एंड 1। अरे क्या इमेज आई है, ये नहीं चाहिए, फिफ्थ डॉट जेपीजी नहीं है, फिफ्थ डॉट पीएनजी है, सॉरी 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 माय बैड। आपको यहाँ पे फिफ्थ डॉट पीएनजी वाली जो इमेज है उसको उठाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाली इमेज चाहिए, तो परफेक्ट है। तो ये तो परफेक्ट चल रहा है, ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग ऑप्शन है, अच्छा यहाँ से इसको मैंने ये हटा दिया था क्या, ओ अच्छा समझाने के लिए मैंने हटाया था, इसको वापस में डालना भूल गया, ठीक है। तो ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि इस बटन के क्लिक पर, ये जो यहाँ पे दो बटन हैं, इन पर मेरे को एक्शन लिस्टनर लगाना है, ताकि एड बटन के क्लिक पे मैं सभी इंफॉर्मेशन यूजर की डेटाबेस में सेव करा पाऊँ, और बैक बटन के क्लिक पे मैं वापस रिसेप्शन फ्रेम खोल पाऊँ। तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जो कि होता है यहाँ पे एक्शन लिस्टनर। एक्शन लिस्टनर इंटरफेस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसको आपको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट हम करते हैं इसको जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इवन डॉट स्टार से, और यहाँ पे आपको एक मेथड को यहाँ पे आपको ओवरराइड करना है, जो कि है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म और एक्शन इवेंट ए, ठीक है। दोनों बटन पे मेरे को एक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बटन पे जैसे ही वो क्लिक हो तो वो एक इवेंट फायर कर दे कि हाँ सर आपने इस बटन पे क्लिक किया है, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ इस बटन पे क्लिक हुआ है।
तो एक उस इवेंट को फायर करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्शन लिस्टनर चाहिए होता है। एक्शन लिस्टनर यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो हम यहाँ पे इन बटन्स के ऊपर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बटन कॉल हुआ है, क्या वो ऐड बटन कॉल हुआ है या फिर वो यहाँ पे बैक बटन कॉल हुआ है। अगर वो यहाँ पे ऐड बटन कॉल हुआ है तो मेरे को यहाँ पे उसको इक्वेट कराना है यहाँ पे ऐड से, बट अगर वो यहाँ पे बैक बटन कॉल हुआ है तो मेरे को यहाँ पे गेट सोर्स में उसको इक्वेट कराना है बैक से। ठीक है, अगर वो यहाँ पे एड बटन कॉल हुआ है तो मेरे को सभी वैल्यूज को निकालना है। मेरे को यहाँ से जितनी भी वैल्यूज है मेरे को उन सभी वैल्यूज को यहाँ से निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉम्बो, और जो फर्स्ट वैल्यू मेरे को निकालनी है वो है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे चेकआउट चेक करना पड़ेगा इसको, कॉम्बो आईडी है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे कॉम्बो आईडी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं तो आपको यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोज आईडी के नाम से इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉम्बो आईडी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। गेट सेलेक्टेड आइटम का यूज करके आप यहाँ से कॉम्बो बॉक्स में से वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे नंबर चाहिए, तो नंबर के नाम से आपके पास यहाँ पे टी एफ नंबर के नाम से एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर गेट टेक्स्ट फंक्शन का आप यूज करके नंबर निकाल सकते हो। फिर मेरे को यहाँ पे नेम भी चाहिए, तो टी एफ नेम के नाम से यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, आप यहाँ से इसके अंदर से यहाँ पे आप नेम निकाल सकते हो। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर हम लेते हैं इनिशियली यहाँ पे नल। उसके बाद आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि क्या कॉल हुआ है, अगर वो आर मेल कॉल हुआ है डॉट इज सिलेक्टेड तो आप यहाँ पे सिंपल जेंडर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो मेल। ठीक है, अगर यहाँ पे वो फीमेल सिलेक्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधा एल्स में डाल रहा हूँ इसको। मैंने यहाँ पे सपोज जेंडर लिखा, जेंडर के अंदर आप यहाँ पे सीधा फीमेल डाल सकते हो। ऊपर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया, इसको लगा देते हैं, एंड ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो लेबल्स हैं यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे कंट्री उठानी है, ये बंदा कौन सी कंट्री से आया है। तो कंट्री उठाई मैंने यहाँ पे, और अब आपको यहाँ पे टी एफ कंट्री करके मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके उसके अंदर से आपको यहाँ पे गेट टेक्स्ट करके इस वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे रूम नंबर है कि कौन से रूम नंबर से आप वैल्यू को चाहते हो। तो सी रूम करके मेरे पास यहाँ पे एक चॉइस है, और चॉइस में से हम वैल्यू निकालते हैं सीधा गेट सेलेक्टेड आइटम करके। यहाँ पे आपको टाइप कास्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सीधा यहाँ पे ऐसे इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चेक इन टाइम है, तो चेक इन टाइम मैंने यहाँ पे लिखा और गेट और यहाँ पे आ जाएगा ये गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैं वैल्यू पिक कर रहा हूँ लेबल के अंदर से, तो लेबल के अंदर से भी आप यहाँ पे गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके सीधा यहाँ पे वैल्यू को पिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बंदे ने कितना डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे डिपॉजिट इज इक्वल टू टी एफ डिपॉजिट डॉट, अभी एक टेक्स्ट फील्ड है तो यहाँ पे टी एफ डिपॉजिट लिखा मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गेट टेक्स्ट। परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में क्वेरी को हिट करना है, तो मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा क्योंकि माई सिक्वल एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वही सब कहानी। इस एरर को मेरे को प्रिंट भी करवा लेना है, एरर को प्रिंट करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सपोज कोई एरर आ गई आपके पास और आपने उसको प्रिंट नहीं करवाया तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी चलाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्ट्रिंग क्वेरी, और क्वेरी इज इक्वल्स टू, अब मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर मेरे को वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, एक नई टेबल के अंदर मेरे को वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। बट उससे पहले मेरे को वो टेबल बनानी भी तो पड़ेगी। ठीक है, अब तक मैंने कोई वाली टेबल ही नहीं बनाई, तो आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है कस्टमर के नाम से, जिसमें हम सारी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले होगा मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा कि वो आधार कार्ड है या फिर वो पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका क्या नंबर है, हमने यहाँ पे ये लिखा, इसको लेते हैं सपोज यहाँ पे 30 कैरेक्टर। उसके बाद आपका सपोज नाम क्या है, ठीक है, नाम मैंने यहाँ पर डाला सपोज 30 कैरेक्टर्स। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर क्या है, जेंडर तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे वेर कर लिया 15 कैरेक्टर्स। एक चीज मेरे को यहाँ पे देखनी है, आईडी हो गया, नंबर हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, उसके बाद आपकी कंट्री है, उसके बाद आपके आपका यहाँ पे रूम है, तो आप कौन सी कंट्री से सर आए हैं, वेर केयर सपोज 20। उसके बाद आपको रूम नंबर कौन सा एलोकेट हुआ है, वेर केयर सपोज 10। ठीक है, और रूम हो गया, कंट्री हो गया, रूम हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है चेक इन टाइम। ठीक है, सीधा टाइम भी लिखते हैं या चेक इन टाइम ले लेते हैं, क्योंकि चेकआउट टाइम भी हमारे पास यहाँ पे चीज होती है। तो चेक इन टाइम मैंने यहाँ पर लिया, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे वेर केयर, और ये पूरा एक अच्छा लंबा कैरेक्टर होगा, तो इसको ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 80, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे डिपॉजिट, डिपॉजिट में ले लेते हैं यहाँ पे वेर केयर, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उसको 20। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल सही चलेगा। आप यहाँ पे देखो टेबल आपके यहाँ पे क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और टेबल आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सही है ये तो, वापस आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को
कस्टमर टेबल में वैल्यू को ऐड करना है, जो टेबल हमने अभी बनाई है। तो मैंने यहाँ लिखा सपोज इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, और सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, और प्लस प्लस मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी को ऐड करना है। कौन सी आईडी आपने मेरे को यहाँ पे दिखाई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे इतने सारे इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज पता होगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यार वीडियो की लेंथ लंबी होती है। आप एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करोगे ना तो उसका फायदा नहीं है, वीडियो की लेंथ ही लंबी होगी उससे। मैंने यहाँ पे नेम भी डाला, आप अगर देखो यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, फिर नंबर है, फिर मेरे पास यहाँ पे नेम है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जेंडर है। तो यहाँ पे मैंने सपोज जेंडर डाला, एंड जेंडर डालने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाए कंट्री है, आपके पास कंट्री के बाद आपके पास यहाँ पे रूम है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। और यहाँ पे मैंने सपोज रूम डाला, ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया। रूम के बाद क्या है मेरे पास यहाँ पे चेक इन टाइम है, ठीक है, तो आपने बस सपोज यहाँ पे टाइम डाला, एंड टाइम के बाद क्या है, टाइम के बाद आपके पास यहाँ पे जो लास्ट फील है वो डिपॉजिट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, तो मस्त चल रहा है। यहाँ पे इस सिलेक्टेड जो होता है ये फंक्शन होता है, आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने वरना एरर 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 देगा, ठीक है, तो करेक्ट है। अब इस क्वेरी को मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, बट मेरे को यहाँ पे दो क्वेरी चलानी है। अगर सपोज कस्टमर को मैंने कोई रूम एलोकेट कर दिया, कस्टमर को मैंने कोई रूम एलोकेट कर दिया, तो उस रूम को जो वहाँ पे जो भी रूम उसको मैंने एलोकेट किया है, उस रूम को मेरे को अवेलेबल से ऑक्यूपाई कर देना है कि ये वाला रूम एलोकेट हो चुका है और अब इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पे जो रूम टेबल है उसके अंदर जाओ, तो एक सेकेंड इसका एक एग्जाम्पल मैं सपोज यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, सपोज मैंने यहाँ पे यूजर को 102 वाला रूम नंबर एलोकेट किया है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी अभी अवेलेबल है ये मेरे को ऑक्यूपाइड कर देनी है कि जो रूम है वो ऑक्यूपाई हो चुका है। तो इस वाली टेबल को भी मेरे को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा साथ साथ में। तो आपको यहाँ पे एक और क्वेरी चलानी है, ठीक है, क्वेरी टू सपोज मैंने यहाँ पे लिखा और आपको यहाँ पे टेबल को अपडेट करना है, तो अपडेट कौन सी टेबल है, रूम, तो अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम यहाँ पे रूम है, कौन से कॉलम को आपको अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट, और इस वाले कॉलम को मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है जो अवेलेबिलिटी वाला ही कॉलम है, ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखना है सेट अवेलेबिलिटी, एक्चुअली मेरे को चेक करना है AVAILA, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अरे यार इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी नहीं होता क्या, हाँ कॉपी होता, तो एक कॉपी फील्ड नेम, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और मेरे को यहाँ पे इसको ऑक्यूपाइड कर देना है, मतलब ऑक्यूपाइड कर देना है इसको, अपडेट रूम, रूम यहाँ पे टेबल का नाम है, सेट अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपका कॉलम का नाम है, और आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी ऑक्यूपाइड, कि आप इसको ऑक्यूपाइड से अपडेट कर रहे हो, बट अगर आप इतना लिख दोगे तो इस सारे में अपडेट मार देगा। आपको ये बताना है कि कहाँ पे अपडेट करना है, तो आपको रूम नंबर 102 पे इसको अपडेट करना है, वेयर, तो यहाँ पे आपको वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा, वेयर रूम नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे रूम नंबर 102, बट इसको मैं हार्ड कोडिंग कर सकता, तो जो भी रूम नंबर मेरे पास यहाँ पर आएगा, कहाँ पे आएगा, ये जो भी रूम नंबर मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट होके आएगा मेरे को यहाँ पे उसको डालना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा रूम और लास्ट में आके मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, परफेक्ट है। तो ये आपकी यहाँ पे क्वेरी है, दोनों क्वेरी आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट मारनी है। तो कौन क्लास का सपोज मेरे को सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कौन के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कौन डॉट सी एस डॉट, दोनों यहाँ पे डीएमएल कमांड से, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा कौन डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्वेरी टू, परफेक्ट। दोनों क्वेरी यहाँ पे जब अगर एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, उसके बाद आपको यहाँ पे एक जे ऑप्शन पेन दिखाना है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, कि इसमें फर्स्ट जो होता है वो फॉर्मेटिंग होता है उसको नल रखते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद अगर ये एड हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे रिसेप्शन फ्रेम को खोल देना है, जैसे ही मैं ओके पे वहां पे क्लिक करूंगा, तो मैंने यहाँ पे करंट फ्रेम को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे रिसेप्शन फ्रेम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, और रिसेप्शन फ्रेम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, तो मतलब करंट फ्रेम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और रिसेप्शन वाला जो फ्रेम है वो खुल जाएगा। और बिल्कुल सेम काम करना है मेरे को यहाँ पे बैक बटन के क्लिक पे भी, बैक बटन के क्लिक पे भी मेरे को यहाँ पे बैक इसको क्लोज करना है और यहाँ पे रिसेप्शन फ्रेम को खोल देना है, तो बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे भी करना है, परफेक्ट है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ
एक सेकेंड चल जाए एक बार, ये बढ़िया। तो बैक बटन मैंने क्लिक किया, ये क्लोज हुआ, ये यहाँ पे खुला। अभी इसके क्लिक पे मेरे को वहां पे कस्टमर फॉर्म को ऐड करना है, वो कर लेते हैं पहले। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक कस्टमर को ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये सही चल रहा है कि मेरे को बस यहाँ पे ये चेक करना है। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे बंदे ने दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट का यहाँ पे आधार कार्ड आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सैमुअल डाल ली, और यहाँ पे जेंडर सपोज मेल है, कंट्री है सपोज इंडिया, रूम नंबर कौन सा एलोकेट हुआ है सपोज 102, डिपॉजिट कितना दिया है बंदे ने सपोज 1000 दिया। ठीक है, न्यू कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, आपका जो कस्टमर है वो एड सक्सेसफुली यहाँ पे एड हो चुका है। एंड ओके पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला फ्रेम खुल गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये दिखाने के लिए कि कस्टमर आपका यहाँ पे कस्टमर टेबल में एड हो चुका है। तो यही सब मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी, एंड 7 अप्रैल को 2:10 पे यहाँ पे मैंने इस न्यू कस्टमर को ऐड किया है, जिसने यहाँ पे चेक इन किया है 1 बजे। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। हमें को यहाँ पे एक काम और करना है, जो हमारी यहाँ पे रिसेप्शन वाली यहाँ पे ये है, इसमें बटन क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ऐड कस्टमर वाला फ्रेम खोलना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे किया इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर। ठीक है, एक चीज उससे पहले मेरे को आपको और दिखानी है कि रूम आपका यहाँ पे अपडेट हुआ है नहीं हुआ। 102 रूम नंबर यहाँ पे देखो आपका ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, इस चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे किसी कस्टमर को आप कोई भी रूम एलोकेट करते हो, मैंने यहाँ पे 102 सपोज एलोकेट किया उसको, तो ये अवेलेबिलिटीज की अवेलेबल से ऑक्यूपाई होनी चाहिए, क्योंकि यूजर आपके यहाँ पे कस्टमर आपके यहाँ पे इस रूम के अंदर चेक इन कर चुका है, तो ये रूम आपका अवेलेबल नहीं है, ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, वापस आते हैं, यहाँ पे एक्शन लिस्टनर लिखा मैंने, आपको यहाँ पे लिखा इसको इम्पोर्ट करा लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू डी डॉट एवन डॉट स्टार। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू न्यू कस्टमर पे यहाँ पे एडिक्शन लिस्टनर लगाना है। मैं यहाँ पे इसके क्लिक पे जो न्यू कस्टमर वाला अपना फॉर्म फॉर्म है वो खोलने वाला, तो मैंने यहाँ पे सपोज दिस लिखा, बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वहाँ वहाँ पे ई आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्शन इवेंट, और ये हो जाएगा आपका ए, अगर ए डॉट गेट सोर्स, ए डॉट गेट सोर्स अगर ये आपका इक्वल है न्यू कस्टमर के, न्यू कस्टमर अभी एरर देगा, मेरे को यहाँ पे फिर से वही काम करना है। अगर आप देखो तो यहाँ मैंने यहाँ पे इसको लोकली डिक्लेयर किया हुआ है, बट ये लोकल डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए, लोकल डिक्लेरेशन वो फंक्शन के बाहर पिक नहीं कर पाएगा, मतलब कस्टमर के बाहर वो पिक नहीं कर पाएगा। तो मेरे को यहाँ पे इसको हटाना है, इसको ग्लोबली मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, वापस आना है आपको, गेट सोर्स एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन होता है, और यहाँ पे आपको सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, बट यहाँ पे दिस डॉट सेट विजिबल मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। करंट फ्रेम फ्रेम को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे जो एड कस्टमर वाला अपना फ्रेम है वो खोल दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो एकदम मस्त चलेगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो न्यू कस्टमर फॉर्म पे ऐड किया, ये क्लोज हुआ, एंड वो खुलना चाहिए, हाँ ये खुल गया। बैक जाते हैं, ये खुल गया, न्यू कस्टमर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये खुल गया, बैक जाते हैं, ये खुल गया, यहाँ पर आते हैं, ये खुल गया। सपोज इसमें मैंने सपोज इस बार यहाँ पे सपोज पासपोर्ट पे क्लिक किया, और पासपोर्ट नंबर सपोज डाल देते हैं यहाँ पे, नेम सपोज मैंने यहाँ पे डाला डॉट जॉन, और ये आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे यूएस। अब रूम नंबर, अब यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ अगर आप यहाँ पे देखो तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, 102 यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, बट ये 102 भी यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे इसको 102 को दिखाने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि जब आप न्यू कस्टमर को एक नया रूम नंबर एलोकेट करोगे तो यहाँ पे 102 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 102 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। आप एक नए नए कस्टमर को ऑक्यूपाइड रूम में नहीं भेजोगे तो आपको यहाँ पे 102 दिखाना ही नहीं था। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसको सपोज यहाँ से मैंने कैंसिल किया, एड कस्टमर में चलते हैं, और आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपने वो सब रूम नंबर्स निकाले थे, जहां पर भी आपने ये सब रूम नंबर्स निकाले थे, अरे कहाँ निकाले थे, ये रहा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, वेयर वेयर अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू अवेलेबल, कॉपी फील्ड नेम, वेयर अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू, और आपको इसको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, कॉपी फील्ड, और जहां पे आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो अवेलेबल हो, सिर्फ वही रूम्स दिखाई है जहां पे अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। तो रिसेप्शन में मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म पे सपोज क्लिक किया, ठीक है वो क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म खुल रहा है। इसमें मैंने सपोज यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6, और ये
ठीक है, अरे मैं वो तो दिखाने भूल गया। अब आप देखो यहाँ पे तो 102 यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ 101 है। ठीक है, तो यही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सपोज जॉन लिखा, मेल लिखा, कंट्री सपोज यूएसए, एलोकेटेड रूम नंबर 101 ही रहेगा, डिपॉजिट सपोज बंदे ने 500 रुपए दिए, एड एड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, परफेक्टली यहाँ पे एड हुआ एंड ये वापस आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बट अब अगर आप यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म पे जाते हो तो आपके पास यहाँ पे कोई भी रूम, मतलब कोई भी रूम खाली नहीं है, तो इस टाइम पे एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, एंड इस वीडियो से आपको शायद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बट अगर आपने इस वीडियो सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, आप दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।